गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कम्सन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 16 और 17 मई का, ठीक है। तो 16 17 मई का हम संयुक्त करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ व्यवधान के कारण हमने कल करंट अफेयर नहीं पढ़ाया था, तो आज इसका वाचन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है, तो आप लोगों को बताना है ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 15 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 15 मई को, ठीक है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है, सशस्त्र सेना दिवस, ठीक है। सशस्त्र सेना दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं दिवसों के बारे में। तो 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को हरिश्चंद्र जयंती, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस, 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस और 7 मई को विश्व सड़क दिवस और सीमा सुरक्षा दिवस और विश्व हास्य दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस, 15 मई को परिवार दिवस और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज हैरी गुरनी ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये कहाँ के हैं हैरी गुरनी, तो ये दिख रहा है कि ये हैं हैरी गुरनी, ये हैं इंग्लैंड के, ठीक है। इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज हैं ये हैरी गुरनी, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। हैरी गुरनी है ये इंग्लैंड के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो देख लेते हैं। तो इसमें पहला राज्य बना है पंजाब, ठीक है। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये पंजाब बना है, ठीक है। कौन बना है, पंजाब बना है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल हैं वी पी सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 117 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश को कराए हैं, ठीक है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने उत्तर प्रदेश राज्य को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं, ठीक है। किसको कराए हैं, तो उत्तर प्रदेश को कराए हैं। ओके, हेलो, हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं, तो ये किसने कराए हैं, तो ये कराए हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मुहैया कराए हैं सैमसंग ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोमन खासनोवा पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो ये है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान के हैं रोमन खासनोवा, इन पर कितने दिन का लगाया गया प्रतिबंध लगाया गया है, तो इन पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और $1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। रोमन खासनोवा पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और $1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। ये कजाकिस्तान के प्लेयर थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बाटा इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है गुंजन शाह, ठीक है। बाटा इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है गुंजन शाह, ठीक है। ये इनका फाइल फोटो है गुंजन शाह का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, जो बिडेन, व्लादिमीर पुतिन, जसिंडा आर्डन, तो ये जसिंडा आर्डन है, ठीक है। जसिंडा आर्डन है, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ओके, इन्हीं को 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो ये असम की बनी है, ठीक है। अजंता नियोग जो है ये पहली महिला राज्यपाल पहली असम की महिला वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। तो ये है अजंता नियोग, ठीक है, यही बनी है असम की पहली महिला वित्त
वित्त महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं असम, असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन कौन सा है? तो डिब्रूगढ़, साइखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी और ओरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला को 23वां राज्य घोषित किया है, 23वां जिला घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है पंजाब ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। ठीक है, किसने किया है? तो पंजाब ने किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाइम्स ग्रुप की चेयर पर्सन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो ये थे इंदु जैन। ठीक है, इंदु जैन ये थी, इनका टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन थी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है। ठीक है, मिशन ये शुरू किया है किसने? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 70 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्डर ने। ठीक है, हाल ही में ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्डर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? रमेश पोवार को। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रमेश पोवार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मारो ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने किस देश को $80.5 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये किसे की है घोषणा? तो किसको देगा ये विश्व बैंक? तो विश्व बैंक ये देगा श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? तो ये की है अमेजॉन ने। ठीक है, निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है अमेजॉन ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बंदर जनगणना आयोजित की है? तो ये किसने की है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने की है विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बंदर जनगणना। ठीक है, किसकी जनगणना की गई है? तो बंदर की जनगणना की गई है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने आयोगन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? अमेरिका, कनाडा, चीन। तो ये किसने किया है? चीन ने किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में मानव आकार जितना बड़ा एक मेंढक खोजा गया है? तो ये किस देश में खोजा गया है? बहामा, जमैका, सोलोमन आइलैंड। तो ये कहाँ की है? सोलोमन आइलैंड। ठीक है, मानव के बच्चे के आकार का। ठीक है, मतलब मानव ही मत समझ लेना। ठीक है, ये मानव के बच्चे के आकार का ये मेंढक खोजा गया है। ठीक है, कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है सोलोमन। ठीक है, सोलोमन आइलैंड। ठीक है, सोलोमन आइलैंड में खोजा गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधान सचिव नरेंद्र मिश्रा को किस देश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजनिंग से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के द्वारा पूर्व सचिव नरेंद्र मिश्रा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सचिव थे। ठीक है, इनको जापान के द्वारा पुरस्कार मिलेगा। तो कौन सा मिलेगा? ऑर्डर ऑफ द राइजनिंग पुरस्कार। ठीक है, राइजनिंग पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो ये हैं नरेंद्र मिश्रा। ठीक है, ओके, ये नरेंद्र मिश्रा का फाइल फोटो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कैडर के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद का कोरोना वायरस से निधन हुआ है? यह कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? तो ये इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस राज्य के प्रशासन ने सिंधु दर्शन उत्सव को
स्थगित कर दिया है। तो किसने किया है, तो ये किया है लद्दाख ने, ठीक है। लद्दाख प्रशासन ने सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है, ठीक है, ओके। किसने किया है, तो ये लद्दाख ने किया है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमएमए खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं, ब्रिटेन बोरा, अर्जुन भुल्लर, विनेश फोगाट। तो ये हैं अर्जुन भुल्लर, ठीक है, ये उनका फाइल फोटो है। अर्जुन भुल्लर जो हैं इन्होंने एमएमए खिताब जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बने हुए हैं, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, तो कहाँ के लिए की है, तो ये की है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दाचीगम, हेमिस और किश्तवाड़, यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चक्रवात टेकुटेक भारत की सीमा तक पहुंचा, यह नाम किसके द्वारा सुझाया गया या दिया गया है, तो ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है। ये कहाँ उठा था, तो ये अरब सागर में उठा था, ठीक है, ये अरब सागर में उठा था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने वीकली अवार्ड 2021 जीता है, तो हाल ही में किसने जीता है वीकली अवार्ड, तो ये जीता है नुकुल फोम, ठीक है, नुकुल फोम ने ये जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं नागालैंड के, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं नागालैंड के, ठीक है। और इसे देता कौन है, ये जो वीकली अवार्ड है, इसे देता कौन है, तो इसे देता है ब्रिटेन, तो ये इसे ब्रिटेन देता है, ठीक है। तो इसे ग्रीन अवार्ड भी कहते हैं, ये ब्रिटेन में इसे ग्रीन अवार्ड भी कहते हैं वीटली अवार्ड को, ठीक है। तो इसे किसे मिला है, ये नुकुल फोम को मिला है, ये नागालैंड के रहने वाले हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेणुगोपाल चंद शेखर का निधन हुआ है, तो वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो टेनिस खेल से संबंधित थे, ठीक है। वेणुगोपाल चंद शेखर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे, तो वो टेनिस खेल से संबंधित थे। ये हैं वेणुगोपाल, इन्हीं का निधन हुआ है, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे, इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेव कमशर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। आप लोग हमारे इस सेशन को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जो भी आपके पास ग्रुप हैं उनके ऊपर सेंड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।